सच्चाई का फल। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका नाम मोहन था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता और अपनी गुजर बसर करता। मोहन का जीवन बहुत सादा और सच्चाई से भरा हुआ था। वह हमेशा सच्चाई का साथ देता और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। एक दिन मोहन के खेत में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम्हारा खेत बहुत उपजाऊ है, मुझे यह खेत बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं इस खेत को नहीं बेच सकता, यह मेरे जीवन का आधार है। व्यापारी ने कई बार मोहन से खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने हर बार इनकार कर दिया। व्यापारी को मोहन की सच्चाई और उसकी मेहनत पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वह किसी तरह से मोहन को धोखा देकर उसका खेत ले लेगा। एक दिन व्यापारी ने गांव के मुखिया के पास जाकर झूठी शिकायत की कि मोहन ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। मुखिया ने बिना किसी जांच पड़ताल के मोहन को बुलाया और उससे जवाब मांगने लगा। मोहन ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी की बात मुखिया को बताई, लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी। अंततः गांव वालों ने मोहन की सच्चाई की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने मोहन से कहा कि वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाए और अगर वह सच्चा होगा तो पेड़ फल देगा। मोहन पेड़ के नीचे बैठ गया और सच्चाई से भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय बाद पेड़ पर फल लगने लगे। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए और मोहन की सच्चाई को मान गए। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है।